बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में है, बीएससी सेकंड ईयर के लिए हम केमिस्ट्री का, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का हम थर्ड पेपर लेके आए हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और ये एमपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक एक हमारा न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखो एमपी के यूनिवर्सिटी का लगभग सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा है, ठीक है। और मैं सभी यूनिवर्सिटी छात्रों से उन कहना चाहूंगा कि एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन को रिपीट कर लें। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना हुआ वही आपको बताने वाला हूं। मैंने तीनों पेपर पहले से अपलोड कर रखे हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, आप सारे पेपर देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। अब यहां बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां बात करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। यूनिट नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या क्या है बेटा, देखो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये बियर और लेवर्ट्स के नियम को पढ़ लेना है। वियर का देखो, वियर और लेवर्ट का जो नियम था वो एक दूसरे नियम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं अपशोषण का नियम। या तो आपसे पूछेगा अपशोषण का नियम क्या होता है, या आपसे पूछेगा वियर लेवर्ट के नियम के बारे में व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन पढ़ने के बाद में एक भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और आप 85% प्लस लाएंगे, मतलब आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है एमपी के अंदर, याद रखने हो। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है ना, पेपर हैकर आपके साथ हमेशा रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप टिक लगाएंगे, वो होता है वर्णमूलक, वर्णमूलक और वर्ण वर्धक की संकल्पना, इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। उसके बाद में हुक का नियम आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है, और वर्ण का नियम पढ़ के जाएंगे, और अवरक्त बैंड की स्थिति क्या होती है आप ये पढ़ के जाएंगे, अवरक्त बैंड की स्थिति के बारे में, ठीक है। उसके बाद में फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र क्या होता है आप इसको पढ़ के जाएंगे, फिंगरप्रिंटिंग क्षेत्र के बारे में, और अणविक कंपन क्या होता है, अणविक कंपन क्या होता है। ये जो आप सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बस यही क्वेश्चन पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, बाकी खत्म कर देने हैं। उसके बाद में सेकेंड यूनिट जाना बेटा, सेकेंड यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे याद रखो, सेकेंड यूनिट को ओपन करेंगे और सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ये आप बात करेंगे, और एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया कैसी होती है, रिएक्शन क्या करता है। उसके बाद में ग्रिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया, ग्रिसरॉल बनाने की विधि, ग्रिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया वो आप देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा रिपीट होता है। वही बात करें अल्कोहल एवं फिनॉल की तुलनात्मक अम्लीय समर्थक क्या होता है, देखो अल्कोहल और फिनॉल की तुलनात्मक जो अम्लीय समर्थक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ फिनॉल की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन स्नाही, देखो कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नाही एरोमेटिक प्रतिस्थापन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नाही एरोमेटिक प्रतिस्थापन क्या होता है ये पढ़ेंगे, और देखो गटरमान संश्लेषण क्या होता है, गटरमान संश्लेषण, ठीक है, हाउ वेस ऑफ अभिक्रिया, हाउ वेस अभिक्रिया इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, और कह सकते हैं जो कह सकते हैं राइमन और टाइमन अभिक्रिया जो होती है, रिएक्शन होती है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ के जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बॉक्स में जो बंद कर रहा हूँ बस यही पढ़ना है, क्योंकि आपको टॉप करना है एमपी के यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉप करना है। तो चैनल को अभी पेपर हैकर को सपोर्ट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यहां बात करने वाले हैं, देखो एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण आप किस तरीके से करेंगे ये आप याद करेंगे, और यहां बोला गया है एलोहाइड और कीटोन का संश्लेषण की विशेषताओं के बारे में आप पढ़ लेंगे, हो सके तो पढ़ लेना बाकी छोड़ सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं नाभिक स्नाही योग अभिक्रिया के बारे में, उसकी क्रियाविधि कैसी होती है ये पढ़ेंगे, ब्रीटिंग अभिक्रिया क्या होती है, और कह सकते हैं मैनीस अभिक्रिया क्या होती है, मैनीस अभिक्रिया रिएक्शन सहित आप बताएंगे, सारा का सारा जो बताएंगे अपने बुक नोट कैसे और में आपका होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, वियर, और साथ ही साथ देखेंगे वियर पीरियसर उपचयन क्या होता है, अब इसको भी आप पढ़ के जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। और आप ये क्वेश्चन आप उपचयन देख रहे हैं, अब इसको भी पढ़ लेना एक बार, हो सके तो पढ़ लेना, जरूर पढ़ना है, ठीक है। और हेलिजीकरण अल्फा और बीटा के जो कह सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की रोड की परिचय देते हुए आपको इसको हो सके तो इसको पढ़ लेना है एक बार, आपके गेस्ट पेपर में नोट्स भी दिया होगा ये क्वेश्चन। और बाकी उसके बाद में आपको चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, चौथे यूनिट में देखियो ये पढ़ना है अम्लता पर प्रति कह सकते हैं प्रतिस्थायी प्रभाव क्या पड़ता है, आप ये पढ़ेंगे, और अम्ल क्लोराइड क्या होता है, एस्टर और एवं एमाइड का विचरण क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। टार्ट्रिक कह सकते हैं टार्ट्रिक एवं सिट्रिक अम्ल क्या होता है, टार्ट्रिक और सिट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, असंतृप्त
और मोनो कह सकते हैं असंतृप्त मोनोकार्बो क्लिक एम्ल जो होता है इसको आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आता है ईथर का नामकरण और जो आप कह सकते हैं विसरण की विधि होती है, ईथर का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, ईथर के भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी कर सकता है ईथर किसके साथ, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 में जाएंगे, वो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5 आप देख रहे हैं पेपर नंबर 3 की, और मैंने सारे पेपर अपलोड पहले से कर रखे हैं। और आपने अभी तक हमारे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां बात को बोला जा रहा है, इसमें आप देखेंगे पांचवी यूनिट में नाइट्रो एल्केन और नाइट्रो एरिन्स बनाने की विधि इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे। और नाभिक स्नायी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आप इसको पढ़ेंगे, नाभिक स्नायी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। वही बात की जाए अमीन के नामकरण और संरचना के बारे में, अमीन का नामकरण किस तरीके से किया जाता है, अमीन के भौतिक गुण और त्रिविमीय रसायन के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। वही बात की जाए आप जानते हैं कितना इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि जो हॉफमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे, अमीन की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और एरिल अमीन में इलेक्ट्रॉन स्नाही एरोमेट्रिक प्रतिस्थापन के बारे में पढ़ के जाएंगे, और एरो कह सकते हैं एजो युग में क्या होता है आप ये पढ़ेंगे। बस इतने क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है, ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हो तो आप बना बना के लेके आते हो, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो हमारा न्यू चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।